हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे यूके की और नए 5 अपडेट्स क्या हैं यूके वीज़ा इमिग्रेशन को लेके और साथ ही साथ स्टूडेंट वीज़ा को लेके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ तो VFS ओपन हो चुका है, यूके के वीज़ाज़ आप लॉन्च कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए यूके एम्बेसी जो है उसने स्पेशली VFS को स्टूडेंट सैटरडे के नाम पे सैटरडे को भी VFS ओपन करने के डायरेक्शंस दे दिए हैं। अब आप अपनी एप्लीकेशन सैटरडे को भी सबमिट कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए सैटरडे रखा गया है जिसके अंदर आप मंडे से फ्राइडे जहां पहले एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते थे उसी की जगह एक्सटेंडेड ऑन सैटरडे एज वेल। सितंबर इनटेक की जो भी एप्लीकेशन है उनको सैटरडे को भी प्रोसेस किया जाएगा और विद इन 15 डेज यानी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च डेट के बाद में 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ऑनलाइन क्लासेस ना होकर ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम आ गया है यूके के अंदर, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल भी है और बहुत बेनिफिशियल भी आपके लिए। ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आपके ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी जिसके अंदर आप दोनों का मिक्स आपको देखने का मिलेगा। एक नई तरीका और नया सिस्टम अब आने वाला है जिसके अंदर आपको एजुकेशन लेनी होगी। और ये जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जनवरी इनटेक के अंदर कंप्लीट ऑफलाइन क्लासेस होगी, ऐसा नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग ही नया तरीका होगा एजुकेशन का। कौन से 5 अपडेट आए हैं उनको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे ये है कि कोई भी अगर आपके पास वीज़ा यूके के अंदर है और अगर आप विद इन यूके अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हैं, कैटेगरी स्विच करना चाहते हैं, तो आप यूके में रह के अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आप PSW पे जाना चाहते हैं तो आप यूके के अंदर ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। PSW से अगर आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो भी आप यूके के अंदर ही किसी भी रूट पे अगर आप यूके गए हैं टूरिस्ट वीज़ा के अलावा तो आप विद इन यूके अपनी वीज़ा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है फ्रेंड्स के स्टूडेंट्स के नाउ अराइव 6 मंथ्स प्रायर टू देयर कोर्स स्टार्ट डेट। 6 महीने पहले आप ट्रेवल कर सकते हैं आपके कोर्स स्टार्ट डेट से। तो ये जनवरी इनटेक में जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा कि आप 6 महीने पहले ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरा अपडेट है फ्रेंड्स कि आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो अब 2 साल के बजाय 3 साल का PhD स्टूडेंट्स को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप मास्टर्स विद प्लेसमेंट कोर्स लेते हैं तो आप भी 3 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे कि आपको 1 साल का प्लेसमेंट ईयर मिलेगा और 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, यानी आपको टोटल 3 ईयर्स टू वर्क इन यूके आफ्टर फिनिशिंग योर एजुकेशन। और चौथी अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर इनटेक में जो टीयर 4 के वीज़ा रूल्स थे वो सेम है, लेकिन जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए चेंज हो गए। उनके लिए जहाँ पे अभी आपको 40 पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं, पॉइंट बेस्ड पॉइंट सिस्टम, जहाँ पे टीयर 4 में आपको 40 पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं, वहाँ जनवरी वाले स्टूडेंट्स को 70 पॉइंट्स स्कोर करने होंगे। उसमें कैसे होगा कि आपके 50 पॉइंट्स तो कैश लेटर के रहेंगे, जो आपका कैश लेटर इशू होगा यूनिवर्सिटी से उसके आपको टोटल 50 पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स आपको आपके फाइनेंशियल्स के मिलेंगे और 10 पॉइंट्स आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी ने आपको असेस किया है, वो सही है या नहीं है, उसके ऊपर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और 5वां अपडेट है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपकी कोर्स या स्टडीज़ ख़त्म होती हैं और आप चाहते हैं कि आपका अगला कोर्स आपको करना है या फिर आपको अपना कोर्स किसी वजह से आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए और वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो आपको जो मेंटेनेंस फंड्स या शो मनी दिखानी होती थी वो अब यूके में नहीं दिखानी होगी। वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट मेंटेनेंस फंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ आपको मिली है। और साथ ही पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम अब लॉन्च होने वाला है 1 जनवरी 2021 से। तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सितंबर इनटेक में यूके जाएं, तो अब आपके पास लास्ट 10 डेज बचे हैं जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आप application01@meridian.org इसके ऊपर अपना ईमेल करें और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप जयपुर, लखनऊ या पुणे रहते हैं तो आप हमारे ब्रांच विजिट कर सकते हैं। आपको पूरी असेसमेंट वहाँ मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी भी चीज़ का कोई चार्ज आपसे नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ के अंदर। तो ये कुछ अपडेट्स थी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप चैनल में बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि कंटिन्यूस स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।